दूसरी है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, वो बैरियर्स जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती हैं, संगठन से रिलेटेड बैरियर्स होती हैं। पहली बैरियर पॉलिसीज। मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, मेरी कंपनी की मान लो पॉलिसी है कि आपको जो भी बात बोलनी है रिटर्न में बोलिए। अब क्या होगा, क्या छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न में लिखनी पड़ेगी। तो अगर मैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को, हर बात को अगर मैं रिटर्न में कहने लग जाऊं तो मैं क्या करूंगा, इस प्रकार का कम्युनिकेशन मैं करूंगा ही नहीं। तो कभी कभी इस प्रकार की पॉलिसीज फिक्स कर देने की वजह से भी कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग कम्युनिकेशन करते नहीं है। फिर कभी कभी कुछ रूल्स होते हैं, कंपनी ने मान लो रूल बना दिया कि आपको जब भी बात करनी है इसी मीडियम का यूज करना है। मीडियम के अंदर मतलब आपको टेलीफोन से बात करनी है, या आपको ईमेल की ही बात करनी है, या कंपनी ने बोल दिया कि जब भी आपको बात करनी है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के थ्रू ही बात करनी है। तो इंप्लॉइज को, वर्कर्स को, मैनेजमेंट को कभी कभी लगता है कि यार मेरे ऊपर काम का भार बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी के रूल्स ऐसे ऐसे होते हैं कि जो बेवजह के होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए हमको कंपनी के रूल मानने पड़ते हैं। तो लोग कम्युनिकेट करने से भागते हैं, कम्युनिकेट बात हो ही नहीं पाती, जहां मैसेज पहुंचना चाहिए था वो मैसेज जाता ही नहीं, और कहीं ना कहीं फिर काम में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, काम पूरा नहीं होता, प्रोडक्शन ठप पड़ जाता है, प्रॉफिट हो ही नहीं पाते हैं। तीसरा है हमारा स्टेटस रिलेशनशिप। कभी कभी आपने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेटस बना होता है, ऊपर से टॉप लेवल से लोअर लेवल तक कोई इंफॉर्मेशन आनी हो तो आ जाती है, क्योंकि टॉप लेवल वाले लोअर लेवल को क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, ये काम करो, वो काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, बोल देते हैं। पर अगर जब लोअर लेवल वाले लोगों को जब टॉप लेवल तक कोई बात पहुंचानी है तो वो बात नहीं भेजते हैं, क्योंकि उनको अपने स्टेटस का डर रहता है कि सामने वाला पता नहीं मेरी बात का क्या मीनिंग समझेगा। नीचे से ऊपर बात जाने के अंदर, नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन होने के अंदर प्रॉब्लम आती है, लोग अपनी सुझावों को, अपनी एडवाइसेस को ऊपर तक भेजते ही नहीं है। तो वहां पर स्टेटस की, लोग अपने स्टेटस से डरते हैं कि कहीं मेरा स्टेटस डाउन ना चला जाए। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो ऊपर वाले डिपार्टमेंट को लगा कि मैं नीचे वाले को भी बात बताऊं, कभी मेरा स्टेटस खराब ना हो जाए, कभी सामने वाले को मेरी कमजोरी ना पता लग जाए। तो वहां पर स्टेटस के रिलेशनशिप के अंदर भी हमारी प्रॉब्लम खड़ी होती है, हम कम्युनिकेट करने से भागते हैं। चौथा है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे से तीसरे से चौथे से पांचवे से छठे एंड सो ऑन आगे आगे लोगों तक बात पहुंचने के अंदर बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती हैं। स्ट्रक्चर इतना टाइट होता है कि वहां तक बात पहुंचते पहुंचते पता चलता है कि बात का मीनिंग ही कुछ और निकल गया है, क्योंकि होता यही है। मान लो मैंने किसी कंप्लेन करनी है पर वो एक प्रॉपर चैनल से होके जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर फिक्स है। वर्कर ने लोअर लेवल को बात कही, लोअर लेवल ने मिडल लेवल को, मिडल लेवल ने टॉप लेवल को बात कहनी है, तो बीच में कुछ भी मिर्च मसाला लग कर उस बात को तोड़ मरोड़ कर आगे प्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लेक्स है, बातों का मीनिंग वहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही निकल जाता है। तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम आती है। अगली है ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये तो बोल दिया कि तुमको कम्युनिकेशन रिटर्न में देना है, अब कंपनी ने क्या किया, हमको स्टेशनरी नहीं लेके दी हुई, या कंपनी ने बोल दिया कि आपको फोन पे ही कम्युनिकेशन करना है, तो इसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, इंप्लॉइज का हर महीने टेलीफोन का बिल भी पे करना पड़ेगा। कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, इंप्लॉइज का टेलीफोन का बिल या फोन का रिचार्ज ही नहीं कराती हैं, तो वो लोग फोन करने से कतराते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपना फोन का एक्सपेंस कंपनी के ऊपर क्या करूं, कंपनी जब मुझे कुछ पैसे ही नहीं देती है तो मैं ही फोन कंपनी को क्यों करूं। तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज कम होने की वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता, आप कम्युनिकेट अच्छे से कर ही नहीं पाते हो, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी रहती है, कंपनी के रिसोर्सेज हमको मिलते नहीं है और हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं। तो ये हुई हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बैरियर, जिसके अंदर मैंने बताया पॉलिसीज, रूल्स की बात आती है, स्टेटस बीच में कभी कभी बाधा आ जाता है, कभी कभी हमारे अंदर ईगो जाग जाती है ना कि मैं ही क्यों बात करूं, तब भी स्टेटस की प्रॉब्लम आती है, या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल बना होता है, लोगों तक बात पहुंचते पहुंचते ही प्रॉब्लम आ जाती है या देर हो जाती है, फिर फैसिलिटीज कभी कभी हमको नहीं मिल पाती हैं। तो ये हुई हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बैरियर्स।